Hello speakers, today we will discuss about this dilemma. The dilemma is that let T be a measurable set such that its sign measure is positive and finite. Such that its sign measure is positive and finite, then we have to prove that there is a positive set A contained in E with sign measure of A is greater than 0. This is our target. हमें प्रूव करना है, यदि हमें कोई मेजरेबल सेट दिया गया जिसका साइन मेजर पॉजिटिव एंड फाइनाइट है, तो हमें प्रूव करना है कि एक ऐसा सबसेट हमारे पास जरूर है जो पॉजिटिव है. देन देयर इज अ पॉजिटिव सेट व्हिच कंटेन्ड इन ई और जिसका साइन मेजर टू ग्रेटर देन 0 है. हमें ऐसा प्रूव करना है, दैट इज ई में एक ऐसा पॉजिटिव सेट मींस एक ऐसा सबसेट जिसका साइन मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक ऐसा सबसेट हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा. दिस इज अवर टारगेट. फॉर दिस वी प्रूव इन दिस वे, इफ गिवन सेट ई इज इटसेल्फ ए पॉजिटिव सेट, यदि हमारा जो गिवन सेट जो हमें दिया गया है वो खुद पॉजिटिव सेट है, in that case if we take this subset A, यदि हम यही ले लेते हैं सेट A को, E ही ले लेते हैं, क्योंकि every set is subset of itself, तो हमें क्योंकि E का कोई subset चाहिए था और क्योंकि हर subset अपना खुद का subset होता है, तो हमने A की जगह E ही take कर लिया. We take A is equal to E. In that case this set A has two properties. What are these two? Sign measure of A is equal to sign measure of E, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और sign of E का जो measure है वो greater than 0 दिया गया, तो इसलिए sign measure of A greater than 0 हो गया. और दूसरा, क्योंकि E, हम इसको E को positive ले रहे हैं, as E itself is a positive set, in that case A is also a positive set, so हम ये prove कर पाए, यदि हम A को E लेते हैं, तो E के पास एक ऐसा subset है, जिसका sign measure greater than 0 है, और वो हमारे पास खुद positive भी है, वो खुद set positive भी है, तो which proves the theorem. लेकिन ये रिजल्ट तब प्रूव होता है यदि हमारा गिवन सेट पॉजिटिव सेट है. यदि ऐसा नहीं है, कंसीडर द केस व्हेन ई इज नॉट पॉजिटिव. इन दैट केस वी डू द रिजल्ट इन दिस वे. ये जो चार लाइनें समझने की जरूरत है, इसके बाद कुछ लाइनें हम पकड़ जाएंगे. कंसीडर द केस, ये रिजल्ट तब प्रूव हुआ जब ये सेट पॉजिटिव हो. यदि ये सेट पॉजिटिव नहीं है, कंसीडर द केस व्हेन ई इज नॉट पॉजिटिव. अगर ई पॉजिटिव नहीं है तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन इट कंटेन्स सेट्स ऑफ नेगेटिव मेजर. तो इसके पास एक कम से कम एक सबसेट ऐसा जरूर होगा जिसका साइन मेजर नेगेटिव होगा. By definition of when E is not positive. अब अगर ये किसी negative measure ये subset को रखता है, negative measure के subset को रखता है, तो हमने ये मान लिया let n1 be the smallest positive. किसी subset का sign measure negative है, तो कितना negative है वो हमें पता होगा, तो उसके लिए हम बिल्कुल ऐसा एक नंबर ले सकते हैं लेट एन वन बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट देयर इज अ मेजरेबल सेट ई वन सबसेट ऑफ वी विद साइन मेजर ऑफ ई वन इज लेस देन माइनस वन बाई एन वन. क्योंकि ई अगर पॉजिटिव नहीं है तो ई में एक ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा जिसका साइन मेजर नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव होगा वो हमने बता दिया
कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव दैट n1 इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इस बात को सेटिस्फाई करता है कि ऐसा n1 ले लिया वो जितना भी नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें अगर हमारा साइन मेजर ऑफ e1 है वो 0.1 है तो इस बात को तो ये जो रिजल्ट है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इन दैट केस साइन मेजर ऑफ e1 इज लेस देन 1/11, तो ये जो n1 है वो हमारा 11 बन गया। तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो -1/11 ये हमारे पास नेगेटिव है तो -1/11 तो n1 में वो 11 मिल गया। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस बात को सेटिस्फाई करता है, 12 भी सेटिस्फाई करता है, यहाँ 12 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई है, 13 है तब भी ये सेटिस्फाई है, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास यहाँ क्या हो गया 11। तो एक ऐसा अगर कोई इवन कोई सबसेट मिलता है जिसका साइन मेजर नेगेटिव है तो हम इस पोजीशन में हैं कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सर्च कर सकते हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करता है कि साइन मेजर ऑफ इवन इज लेस देन -1/n1। बिल्कुल, तो इन लाइंस को समझने की जरूरत है इन दो लाइंस के अंदर, क्योंकि ये बाकी के प्रूफ को प्रोसीड करता है। जब e पॉजिटिव नहीं है, व्हेन इज नॉट पॉजिटिव देन देयर मस्ट एग्जिस्ट then it contains sets of negative measure, और इसके लिए हमने लिख लिया है n1 with the smallest positive integer such that there is a measurable set e1 subset of e with sign measure of e1 is less than -1/n1। ये पॉजिटिव नहीं है तो इसके पास एक सबसेट मिलेगा जिसका साइन मेजर नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये भी है। नाउ हम e को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, e को एक्सप्रेस कर सकते हैं e - e1 union e1 के बराबर। तो एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें e - e1 and e1 सेट आर डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट हैं, और इसी के ऊपर हम अगर साइन मेजर ऑपरेट करते हैं बोथ यहाँ पर, तो साइन मेजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर साइन मेजर ऑफ e इज इक्वल टू साइन मेजर ऑफ e - e1 प्लस साइन मेजर ऑफ e1। लेकिन हमें पता है ये जो साइन मेजर यहाँ से निकाल लेंगे साइन मेजर ऑफ e - e1 इज इक्वल टू साइन मेजर ऑफ e - साइन मेजर ऑफ e1। अब यहाँ पर साइन मेजर ऑफ e का रिजल्ट हमें दिया गया है कि ये फाइनाइट एंड पॉजिटिव है, और साइन मेजर ऑफ e1 है वो नेगेटिव है, साइन मेजर ऑफ e1 है वो हमारे पास से नेगेटिव है और साइन मेजर ऑफ e फाइनाइट है, तो इसका मतलब है साइन मेजर ऑफ e - e1 इसके बारे में हम बोल सकते हैं दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेफिनेटली, क्योंकि हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो ये यहाँ से इस लाइन से साइन मेजर ऑफ e - e1 में वो साइन मेजर ऑफ e - साइन मेजर ऑफ e1 बन गया। अब सिंस साइन मेजर ऑफ e इज लेस देन इंफिनिटी यहाँ से इट फॉलोज दैट साइन मेजर ऑफ e - e1 एंड साइन मेजर ऑफ e1 आर बोथ फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है तो ये और ये टर्म भी फाइनाइट होगी, एंड मोर ओवर साइन मेजर ऑफ e इज ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव भी है, साइन मेजर ऑफ e पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइन मेजर ऑफ e1 इज नेगेटिव, साइन मेजर ऑफ e1 इज नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के आगे नेगेटिव है तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव बन गए, तो इसका मतलब साइन मेजर ऑफ e - e1 है, इट फॉलोज दैट साइन मेजर ऑफ e - e1 इज ग्रेटर देन 0। दस हम ये प्रूव कर पाए कि साइन मेजर ऑफ e - e1 ग्रेटर देन 0 है और ये फाइनाइट भी है, तो इट मींस 0 इज लेस देन साइन मेजर ऑफ e - e1 इज लेस देन इंफिनिटी। तो अगर ऐसा है तो इफ ये इसका साइन मेजर हमने फाइनाइट एंड पॉजिटिव प्रूव कर दिया e - e1 का, यदि हमारा ये सेट e - e1 अगर ये पॉजिटिव हो जाए, इफ e - e1 इज पॉजिटिव सेट, यदि ये पॉजिटिव सेट है तो इन दैट केस वी कैन टेक e इज इक्वल टू e - e1 एंड सो आवर रिजल्ट इज ट्रू, सो वी आर ट्रू, दैट इज आवर रिजल्ट इज ट्रू। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा सबसेट हमें प्राप्त करना है e का एक ऐसा सबसेट प्राप्त करना है जो खुद पॉजिटिव हो और उसका साइन मेजर भी पॉजिटिव हो, तो हमें ये प्रूव कर पाए। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेट क्या हो गया e - e1, दिस e - e1 इज सबसेट ऑफ e एंड इट्स साइन मेजर इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव एंड e - e1 इज पॉजिटिव आल्सो, यदि हम ये पॉजिटिव है तो इन दैट केस हमारा, यदि ये पॉजिटिव है इन दैट केस हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, हमारी रिक्वायरमेंट ए के थ्रू फुलफिल हो गई।
लेकिन ये कब फुलफिल होगी, जब e माइनस e1 पॉजिटिव होगा। यदि ये है तो हमारा रिजल्ट यहां कंप्लीट हो गया, यदि नहीं है, if e माइनस e1 इज नॉट पॉजिटिव, इन दिस केस वी प्रोसीड द रिजल्ट इन द सेम फैशन इन इन दिस फाइव लाइंस वी हैव as we derive the results in the same fashion, we derive the same result in the coming part. So in the second case, if e minus e1 is again not positive, if e minus e1 is positive, the result is proved. If e minus e1 is not positive, then agar positive nahi hai, to iski by definition it contains sets of negative measure and let n to be the smallest positive integer such that there is a measurable set E2 which is subset of E minus E1, E minus E1 which sign measure of E2 is less than minus 1 by N2. That is, यदि हमारे पास E minus E1 positive नहीं है, तो E minus E1 में एक ऐसा subset E2 मिलेगा जिसका sign measure negative होगा, और ये इस बात को भी satisfy कर रहा है कि N2 is the smallest positive integer, like this way. Then we can express E as, also we can express E as E minus E1 union E2. Union E1 union E2. Then both E minus E1 union E2 and E1 union E2 are disjoint. बिल्कुल definitely disjoint होगी। अब disjoint है तो इसके ऊपर अगर हम sign measure operate करें तो sign measure इस पर operate हो जाएगा, union को summation में convert कर देगा और इस पर operate हो जाएगा। इसका मतलब therefore sign measure of E is equal to sign measure of E minus E1, E minus E1 plus sign measure of E1 union E2। अब हमें ये पता है, अब इसमें से यहाँ से result निकाल दिया, sign measure of E minus E1 union E2 is equal to sin measure of E minus sin measure of E1 union E2. अब E1 union E2 फिर ओपन कर दिया, तो sin measure of E minus sin measure of E1 minus sin measure of E2. अब यहाँ क्योंकि sin measure of E है वो positive and finite है, sin measure of E1 negative है, sin measure of E1 negative है, sin measure of E2 भी negative क्या है, negative लगा हुआ है, तो ये positive हो गई, तो right वाली quantity है वो positive है, तो इसलिए लेफ्ट वाली क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव होगी। इसलिए देयरफॉर साइन मेजर ऑफ e माइनस e1 यूनियन e2, e1 माइनस e2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन मेजर ऑफ e माइनस e1 यूनियन e2 इज ग्रेटर देन 0। अब हमारा केस क्या हो गया, इफ दिस यूनियन इज पॉजिटिव देन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन टेक a इज इक्वल टू दिस, वी कैन टेक a is equal to this and so lemma is established, lemma हमारा establish हो गया, हमारी requirement fulfill हो गई, क्योंकि हमें e का एक ऐसा subset चाहिए था that there is a positive set a contained in e with sign measure of e greater than 0, तो हमें e का एक ऐसा positive set चाहिए था जिसका sign measure greater than 0 हो। तो यदि हमारा ये set positive है और हमने ये प्रूव कर दिया इसका साइन मेजर ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस सेट को ए मान लेंगे, तो ए इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, दैट मींस द लेमा इज एस्टैब्लिश। बट दिस लेमा इज एस्टैब्लिश इन द केस व्हेन वी टेक ई माइनस यूनियन आई गोस फ्रॉम 1 टू 2 ई आई इज पॉजिटिव। इफ इट इज नॉट सो देन अगेन इन दिस फैशन देयर एग्जिस्ट ए subset E3 of this union whose sign measure is less than sin measure of E3 is less than minus 1 by N3. N3 is the smallest positive integer. In this way we can proceeding inductively if E minus union J goes from 1 to K minus 1, J is not already positive set. अगर ये already positive set नहीं है, तो हम result को proceed करेंगे. यदि ये positive हो गया, तो हमारे यार result है वो complete हो गया. तो proceeding हमें करनी है, तो हमारे हमने ये मान लिया
ये पहले से ही पॉजिटिव सेट नहीं है, देन अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो बाय डेफिनेशन इसका कोई सबसेट मिलेगा जिसका नाम हमने लिख दिया ई के और जिसका साइन मेजर है वो नेगेटिव होगा, तो इसका देन इफ इट इज नॉट ऑलरेडी अ पॉजिटिव सेट देन एंटी विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिजिट फॉर व्हिच देयर इज इमेजरेबल सेट ई के सच दैट ई के इज सबसेट ऑफ दिस एंड इफ साइन मेजर इज लेस देन -1 बाय एन के। तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव, अगर ये केस इस तरीके से केस लेते चलते हैं हम, तो हमारे पास नेगेटिव मेजर्स के सबसेट्स हमारे पास मिलते चले जाएंगे, तो इन दिस वे साइन मेजर ऑफ ईके इज लेस देन -1 बाय एन के। तो इन सब नेगेटिव मेजर्स, नेगेटिव साइन मेजर जो रखते हैं इन सबसेट्स का यूनियन, यदि हम गिवन सेट ई में से सब्ट्रैक्ट कर दें और उसका नाम ए दे दें, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो सेट हम जो डिजाइन कर रहे हैं, ये जो सेट हम डिजाइन कर रहे हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इस इंडक्शन के माध्यम से जो नेगेटिव सेट्स हमें साइन मेजर के रिस्पेक्ट जो नेगेटिव सेट्स हमें मिल रहे हैं उन सब का यूनियन करें और उन सब का यूनियन ए में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो सेट हमारा डिजाइन हो गया, ये सेट हम ये प्रूव करने जाएंगे ये हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो हमने ए को ई माइनस यूनियन ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ द ई के हमने ये लिख लिया, देन दिस सेट दिस इंप्लाइज ई कैन बी एक्सप्रेस इन दिस वन दिस वे ए यूनियन के वाज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी यूनियन ई के, बिल्कुल अगर ये इसके बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख ही सकते हैं बिल्कुल श्योर। और सिंस दिस इज डिसजॉइंट यूनियन वी हैव, ये दोनों डिसजॉइंट हैं ए एंड दिस यूनियन ई के, क्योंकि ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, ई के एलिमेंट है लेकिन जो इस यूनियन में नहीं हो, और तो इसलिए ई एंड ए एंड दिस यूनियन, ए एंड दिस यूनियन आर डिसजॉइंट सेट्स, तो जब इसका साइन मेजर लेंगे तो इस यूनियन को ये समेशन में बदल देगा। Since this disjoint union, since this one is a disjoint union, we have sine measure of A is equal to sine measure of A plus sine measure of this union. Sine measure plus sine measure of V of EK. बिल्कुल हम ऐसे express कर सकते हैं, union को summation में बदल सकते हैं ये, और फिर again ये जो summation लग गया इस union की वजह से, this summation ये plus और फिर इस union की वजह से ये summation लग गया। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है v ऑफ e ये पॉजिटिव है, दिस वन इज साइन मेजर ऑफ e इज पॉजिटिव एंड फाइनाइट, जब पॉजिटिव और फाइनाइट है तो राइट की क्वांटिटी भी पॉजिटिव एंड फाइनाइट होनी चाहिए, तो इसके लिए अब क्योंकि ये जो सम है वो v ऑफ e के, v ऑफ e1 है वो नेगेटिव है, v ऑफ e2 भी नेगेटिव है एंड सो ऑन, तो ये जो सम है वो नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है, दिस वन इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव, तो इसलिए इस बात को मेंटेन रखने के लिए एज दिस वन इज दिस इक्विवेलेंट टू दिस वन विद द सीरीज ऑन द राइट साइड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये सीरीज जो बन गई राइट में एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होनी ही चाहिए, इसका सम फाइनाइट आना ही चाहिए क्योंकि हमें लैग क्वांटिटी को फाइनाइट रखना है, तो ये फाइनाइट अगर हम लेते हैं ये भी फाइनाइट है तो ये इसको भी फाइनाइट होना ही पड़ेगा, तो विद द सीरीज ऑन द राइट साइड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब सिंस वी इज फाइनाइट रीजन भी देखिए क्योंकि वी फाइनाइट है, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट जो ई है वो फाइनाइट है, दस वन बाई समेशन वन बाई एन के कन्वर्जेंस, ये सीरीज है वो बिल्कुल कन्वर्ज करेगी यहाँ से इस वाले पॉइंट की वजह से, हम यहाँ से नेगेटिव भी लें तो ये सीरीज है वो ग्रेटर देन माइनस वन बाई एन के हो गया, और ये कन्वर्ज करती है तो वन बाई एन के भी कन्वर्ज करेगी, तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो वी हैव एन के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो उसके अंदर टर्म की लिमिटिंग वैल्यू है वो जीरो पर जानी चाहिए, तो इसका मतलब वन बाई एन के है, वन बाई एन के है वो जीरो को टेंड करना चाहिए एज एन एन के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो बिल्कुल एन के को जब हम इन्फिनिटी मूव करें तो कन्वर्जेंट है, तो जीरो पे जाना चाहिए, जीरो पे तभी जा सकते जब एन के इन्फिनिटी पे जाएगा,
इसलिए वी हैव एंट्री टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड सिंस वी ऑफ ई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो एंड वी ऑफ ई इज ग्रेटर देन जीरो ये सारे नेगेटिव हैं यहां से सब रिजल्ट जस्ट लाइक दिस वन और वी ऑफ ई है वो ग्रेटर देन जीरो है तो वी मस्ट हैव वी ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो यहां से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा इसलिए वी मस्ट हैव साइन मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो हमने जो सेट लिया था उसका साइन मेजर तो हमने ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया अब हमारा टारगेट ये और बच गया कि इस सेट को हम पॉजिटिव सेट और प्रूव करें पॉजिटिव सेट और प्रूव करें टू शो दैट ए इज ए पॉजिटिव सेट लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन हमने कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लिया x is n k tending to infinity n k tending to infinity we may choose k so large that 1 over n k minus 1 is less than epsilon बिल्कुल हम अपने किसी भी epsilon के लिए और एक ऐसा k search कर सकते हैं so large that 1 over n k minus 1 is less than epsilon बिल्कुल ऐसा select कर सकते हैं since a is subset of this one और a इसका सबसेट है बिल्कुल है क्योंकि a इसके बराबर है इस e में से k को इसमें 1 टू इंफिनिटी सबट्रैक्ट हो रहा है सब के संग घटा दिए तो a जब इसके बराबर है तो अगर हम यहां इंफिनिटी की जगह k रख लें तो ये जो यूनियन है a है वो सबसेट होगा e माइनस j को इसको 1 टू k e j देयरफॉर a can contains no measurable sets with the measure less than minus 1 over n k minus 1 बिल्कुल अब क्योंकि ये जो सेट है सिर्फ उन सेट्स को कंटेन करता है हम यहां से देखेंगे दिस वन दिस सेट कैन कंटेन ओनली दोज सबसेट हुज साइन मेजर इज लेस देन माइनस 1 ओवर एन के नॉट लेस देन माइनस 1 ओवर एन के माइनस 1 दिस पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट A can contain no measurable, A किसी भी measurable ऐसे subset को contain नहीं कर सकता with measure less than minus 1 over n k minus 1. इससे छोटे के measure, जिसका sign measure इससे छोटा हो, उसको A contain नहीं कर सकता. And this number is greater than minus epsilon. This number is greater than minus epsilon. क्योंकि हम इसमें ये ले रहे हैं, ये वाला part इसके negative लगाएंगे, तो this one is nk which is greater than which is greater than minus epsilon बिल्कुल यहां से माइनस लेंगे greater than हो जाएगा तो therefore a contains no measurable sets of measure less than minus epsilon यहां से minus epsilon से less नहीं करेगा इसलिए और क्योंकि इससे छोटा कोई भी इस a के पास कोई भी ऐसा measurable subset है ही नहीं जिसका साइन मेजर इससे लेस हो अब इसका मतलब है इसको तो एज स्मॉल एज पॉसिबल बनाया जा सकता है तो इसका मतलब हम अगर बहुत स्मॉल नेगेटिव मेजर वाला सबसेट लेते हैं लेकिन हम वो इससे तो छोटा नहीं बना सकते जैसे ये बोलता है अपने एप्सिलॉन को इससे छोटा कर देते हैं तो देयरफॉर ए कंटेन्स नो मेजरेबल सेट ऑफ मेजर लेस देन माइनस एप्सिलॉन Since epsilon is an arbitrary positive number, इसका मतलब ये है कि ये इसको as small as possible बनाया जा सकता है यही इसका reason ये भी है कि ये भी wording दी जाएगी इसके अंदर Since epsilon is an arbitrary positive number, it follows that A can contain no sets of the negative measure. And so, अगर negative measure के किसी set को contain कर ही नहीं सकता, so must be a positive set. अब A है वो पॉजिटिव सेट की बन गया और ए का जो साइन मेजर है ए का जो साइन मेजर है वो हमने ये भी बता दिया ए का जो साइन मेजर है ग्रेटर देन 0 भी है और ये पॉजिटिव सेट भी है तो हम ये प्रूव कर पाए कि इस ई के पास ई का ए है वो ई का सबसेट भी है ए है वो ई का सबसेट भी है तो हम ये प्रूव कर पाए कि ए है जो एक ऐसा सबसेट मिल गया E का जो खुद पॉजिटिव भी है और उसका साइन मेजर ग्रेटर देन 0 है एंड सब रिजल्ट इज ट्रू थैंक यू